भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भूपेश बघेल ने कहा कि देश का चुनाव हो चुका है, साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई और मतदाताओं का भी आभार उन्होंने व्यक्त किया। राष्ट्रवाद के नाम से चुनाव लड़ा गया, इस जनादेश का हम स्वागत करते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से कहां चूक हुई? सवाल के जवाब में भूपेश बघेल ने कहा कि जनता के फैसले का स्वागत करते हैं। जनता ने राष्ट्रवाद के नाम से मतदान किया है, चुनाव में कांग्रेस के 60 दिन बनाम 60 महीने की वजह से जनता ने चुनाव नहीं लड़ा, जनता ने केवल राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव को फोकस किया। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रवादी पार्टी हैं, लेकिन विचारधाराएं अलग अलग हैं। मंत्री कवासी लखमा के ईवीएम के सवाल को लेकर भूपेश बघेल बचते हुए नजर आए। जो जनादेश जो मिला है उसी गत में कह रहा हूं कि जो जनता ने आदेश दिया है उसका स्वागत करते हैं। उनके जो मुद्दे थे वो राष्ट्रवाद के थे और जनता ने उसे स्वीकार किया है। बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी।